क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इक्वल क्लास इंटरवल्स ऑन मंथली वेजेस ऑफ 28 लेबर्स वर्किंग इन फैक्ट्री, टेकिंग वन ऑफ द इंटरवल्स एज 210 एंड 230, 230 इज नॉट इंक्लूडेड नाउ। तो ये क्या दे रखे हैं उसने, वेजेस, ठीक है नाउ। तो वेजेस आपके कितने के हैं, देखो क्या लिखा है, 28 लेबर्स, तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 28, ये आपके कितने हैं, 28 है, ठीक है नाउ। अब इसमें देखो क्या दे रखा है कि आपका जो फर्स्ट इंटरवल है, एक इंटरवल आपका क्या है, 210 एंड 230, तो वन इंटरवल वी विल राइट, वन इंटरवल दैट इज योर 210 से 230, ठीक है नाउ। तो देखो हाइट क्या हो गया इसका, और यू कैन से क्लास साइज, तो क्लास साइज इज 230 माइनस 210, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका आ गया 20, यानी कि जो गैप है वो 20 का होना चाहिए, ठीक है नेक्स्ट। तो अब देखो इसने पहले ही बोल दिया है कि 210 से 230 हमारा एक होगा, है ना ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग क्या है, लीस्ट यानी मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है, वी विल फाइंड आउट। तो हियर वी विल फाइंड आउट फर्स्ट मिनिमम, फिर हमारा रहेगा मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इसके अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड आउट करो, ठीक है ना। तो अगर आप रफली देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 210 से स्टार्ट है, एवरीवेयर 210 के आसपास जो भी है, तो 210 से नीचे कोई भी रहेगा दैट इज आवर मिनिमम, एंड 300 के ऊपर इज आवर मैक्सिमम, है ना। उसमें हम मैक्सिमम ढूंढेंगे, देखो कैसे ढूंढते हैं। तो सबसे पहले है हमारा 210, ठीक है, तो 210 से अब कोई नीचे आएगा दैट इज आवर मिनिमम। तो देखो 210 से नीचे कोई है, 210, अगेन 210, तो दैट मीन्स 210 इज द मिनिमम। तो हमने मिनिमम लिख दिया 210, ठीक है ना। मैक्सिमम देखो कितना जा रहा है, 300 के ऊपर देखना है सिर्फ, क्योंकि 324 मेरे को यहां दिखाई दे रहे हैं, तो 300 के ऊपर वाले नंबर्स में हम ढूंढेंगे कौन सा मिनिमम मैक्सिमम है। तो देखो 300, 300, 300, 300, 311, ठीक है ना। 311 के बाद यहां पर आ गया 306, दैट मीन 311 इज मैक्सिमम, 306 नाउ, 318 इज मैक्सिमम देन 311, 302, 304, 319 इज ग्रेटर देन 318। अब 319 के ऊपर देखो और कुछ मिलता है तो 320, ठीक है नाउ। अगेन 316 कम है, 6 कम है, तो 320 इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इज 320, ठीक है नाउ। अब क्लास इंटरवल का देखो, 210 से स्टार्ट है, तो यहां पर भी 210 आ रहा है आपका, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो सबसे पहले क्या लिखना है, वेजेस, ये आपका क्या दिया हुआ है रफ में, वेजेस, फिर बनाएंगे टैली कार्ड, और यू कैन से टैली मार्क ऑल्सो, ठीक है ना। तो टैली कार्ड के बाद हमारा यहां पर रहेगा नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, तो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, यानी कितने वर्कर्स को उतना मिला। तो शुरू करते हैं हम, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट इज 210, मिनिमम इज 210, तो 210 से 230, 210 टू 230,
सेकंड 230 टू 250 जहां एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है ना। तो 250 हो गया ना, 250 टू 270 ना, 270 टू 290 दोनों के बीच में गैप शुड बी 20, ठीक है ना। 290 टू 310, 310 टू 330, ठीक है। देखो 320 इसके बीच में आ गया। अब टेलीमार्क करते हैं, टेलीमार्क में क्या है, वन बाय वन आपको क्या करना है, कट करते जाना है और टैली मार्क में मार्क करते जाना है, ठीक है, टैली कार्ड में मार्क करते जाना है। नेक्स्ट तो देखो कैसे करेंगे हम, तो फर्स्ट इज 220, तो 220 कहां पर है, ये दोनों के बीच में, तो वी विल मार्क वन। नेक्स्ट 268, तो 268 लाइस हियर, 258 तो अगेन लाइस हियर, 242 तो इट लाइस हियर सेकंड, 210 फर्स्ट वाले में, 268 लाइस हियर, 272 लाइस हियर, 242 हियर, 311 लास्ट वन, 290 हियर। तो 290 देखो आपका यहां पर और यहां पर है, तो आप इसको नहीं गिनेंगे, हायर लिमिट वाले को नहीं देखना है, लोअर लिमिट में उसको काउंट करना है हमेशा, ठीक है ना। 300 हियर, 320 हियर, 319 अगेन हियर, 304 हियर, 302 अगेन हियर, 318 हियर, 306 हियर, 292 हियर, 254 हियर, 278 हियर, नेक्स्ट 210 अगेन हियर, 240 तो 240 देखो कहां पर आ रहा है, इधर, 280 हियर, 316 हियर, ठीक है नाउ, 306 हियर, 215 हियर, 256 हियर, 236 हियर। तो देखो अब इसको काउंट करके नंबर ऑफ वर्कर्स में फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो फर्स्ट इज 4, सेकंड अगेन 4, थर्ड इज 5, फिर 3, फिर 7, फिर 5, ठीक है ना। तो अब देखो ये टोटल शुड बी 28 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो हमने कहीं कुछ छोड़ दिया, ठीक है ना। तो इसको देखो कैसे काउंट करते हैं हम, 4 का 4 लिख देंगे, 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 5 इज 13, 13 प्लस 3 इज 16, 16 प्लस 7 इज 23, 23 प्लस 5 इज 28 आ गया, ठीक है। तो आपको इसको इस तरह से बनाना है।